हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस से एक और मोदक की रेसिपी, जिसको मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी। और बनाना बहुत आसान है, देखिए कितने बढ़िया और टेम्पटिंग से ये लग रहे हैं और बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होते हैं। तो ज़रूर अभी गणेश उत्सव चल रहा है, बनाइएगा और गणपति जी को भी भोग लगाइएगा और खुद भी इंजॉय करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी लिया है बेसन। तो आज जो हम मोदक बनाएंगे बेसन से बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। एक कटोरी बेसन के अंदर हम डालेंगे एक कटोरी दूध। तो दूध जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अगर मलाई हो तो मलाई भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस से अलग मेथड से हम ये जो मोदक हैं बना के तैयार करेंगे। बस दूध के अंदर बेसन घोलिए और मोदक बना के तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। और जब आप ये खाएंगे ना मोदक, तो कोई खा के बता नहीं सकता कि इसको आपने बेसन से बनाया है, और वो भी इतने आसान तरीके से। मार्केट से ज़्यादा किफ़ायती और बहुत ही टेस्टी मोदक हमारे घर पे ही बनके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर लिया है और बस इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। तो पूरा एक कटोरी दूध हमें इसके अंदर यूज़ करना है। तो एक कटोरी अगर आप बेसन लेते हैं तो एक कटोरी दूध इसके अंदर जाएगा। तो बस अच्छे से इसको हम मिक्स करते जाएंगे, और मिक्स करने के बाद देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी अब लम्स नहीं रहे हैं। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे ताकि जो हमारा बेसन है थोड़ा सा फूल जाए, और इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ढककर रख देती हूँ, और 10 से 15 मिनट के बाद देखिए जो हमारा बेसन है पहले से फूल गया है और इसके अंदर जो लम्स थे वो भी अभी नहीं है। तो बस अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा कटोरी देसी घी। तो मेजरमेंट क्या रहेगा, एक कटोरी दूध, एक कटोरी बेसन और आधा कटोरी घी। अगर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो एक ही बार में आपके जो मोदक हैं बनके तैयार हो जाएंगे बहुत ही बढ़िया से। तो बस लो फ्लेम पे हम इसके अंदर जो हमने घोल बना के तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। और कोशिश करिएगा अगर आप ये मोदक बना रहे हैं तो आप नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई लें ताकि जो ये बैटर है हमारा नीचे ना लगे। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे ये थिक होता जाएगा, और एक टाइम पे ये जो है बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जैसे जैसे ये कुक होगा बिल्कुल ये दानेदार इसका टेक्सचर हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करेंगे, नहीं तो क्या होगा जो बेसन है हमारा कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेसन जो है हमारा थिक हो गया है पहले से, और अभी आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर लम्स बन रहे हैं, लेकिन ये लम्स बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे हम इसको कुक करेंगे जो दूध है वो बेसन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये थिक होता जाएगा, और हमें इसे कंटिन्यूसली मगर कुक करना है। तो ये देखिए जो हमारा बेसन है बिल्कुल थिक हो चुका है, लेकिन अभी इसे हमें अच्छे से भूनना है। आप सोच रहे होंगे कि इसको भूनेंगे किस तरीके से, तो बस जैसे जैसे आप इसको इस तरीके से प्रेस करके भूनेंगे ये जो है अपनी मॉइस्चर रिलीज करता जाएगा, और जैसे कि पहले हमने स्टार्टिंग में इसको डाला था वैसा ही ये होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसको कुक कर रही हूँ तो इसका जो टेक्सचर है दानेदार होता जा रहा है, और जो पूरा डो बना हुआ था वो बिखरता जा रहा है। तो बस इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यूसली करेंगे जब तक कि ये बिल्कुल इक्वली दानेदार ना हो जाए, जो मोटे मोटे इसके अंदर चंक्स हैं वो ख़त्म ना हो जाए। तो 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट मैंने इसको भूना है अच्छे से, और हमारे बेसन का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है, और इसका टेक्सचर जो है देखिए बिल्कुल दानेदार हो गया है, एक एक बिल्कुल दाना सा इसके अंदर दिख रहा है, जैसे कि हमने बेसन को ही भूना हो, जैसे हम बेसन के लड्डू बनाने के लिए भूनते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अब बस इसी तरीके से हम इसको भून लेंगे, और इसको अब गैस का फ्लेम बंद करके उतार लेंगे, और इसकी चाशनी हम तैयार करेंगे। आप चाहें तो बिना चाशनी के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन चाशनी से अगर आप इसको बनाएंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, और जो बेसन अगर हल्का फुल्का कच्चा रह भी गया होगा तो वो चाशनी के साथ कुक हो जाएगा। तो बस इसका गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, और इसको एक बर्तन में निकाल लिया है, और इसी बर्तन में हम बनाएंगे अब अपनी चाशनी। तो चाशनी के लिए हमें कोई एक दो तार की चाशनी इसके अंदर नहीं बनानी है, बस हमें एक चिपचिपा सा जो लिक्विड होता है वो बनाना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें बनाना है। तो ये मैंने साइड रख दिया है, और उसी पैन में मैंने डाल दिया है
आधा कटोरी पानी और आधा कटोरी मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक कटोरी बेसन के अंदर आधा कटोरी चीनी जो है इनफ रहेगी, इससे ज्यादा आप मत डालिएगा। तो बस इसको हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। इसकी हमें कोई एक दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हमारी जो चीनी है पानी के साथ अच्छे से घुल जाए और एक बॉयल आ जाए उतना ही हम इसे करेंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल दिया है, इलायची को क्रश करके। तो यहाँ पर देखिए बॉयल आ गया है और एक से दो मिनट के बाद हमारा जो ये चाशनी है बनके तैयार हो गई है। बस मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम इसको फिंगर पे लेंगे तो एक हमें चिपचिपा सा महसूस होगा कि जो हमारी चाशनी है कुक हो गई है। तो बस इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया था बेसन का और दूध का, वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सारा मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारा मैंने जो मिक्सचर है इसके अंदर ऐड कर दिया है और बस लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली इसको मिक्स करेंगे जब तक कि ये एक डो की फॉर्म में ना आ जाए। तो बहुत ही इजी होता है और साथ ही मैंने डाल दिए इसके अंदर ड्राई फ्रूट, टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट डालने से थोड़ा सा इसकी रिचनेस भी बढ़ जाती है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है जब क्रंची क्रंची से ड्राई फ्रूट मुँह में आते हैं। तो बस इसी तरीके से देखिए अच्छे से मिक्स करते हुए मैंने इसको कुक करा है। तो यहाँ पर ये ड्राई होता जा रहा है और डो की फॉर्म लेता जा रहा है, आप देख रहे होंगे कि ये पैन को छोड़ता जा रहा है। तो जब ये बिल्कुल पैन को छोड़ दे और आपके स्पैचुला पे चिपकने लग जाए तो इट मीन समझ लीजिएगा कि जो आपका डो है परफेक्ट है मोदक बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अभी हल्का सा ये पैन पे चिपक रहा है, तो बस एक से दो मिनट और करेंगे और इसका गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे क्योंकि जो हमारा पैन है ये गर्म है, तो इसी के अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम बंद करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और एक से दो मिनट मिक्स करने के बाद मैं इसको अलग से बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है जितना हमारा पैन गरम था उतने में, और अब इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं या इसी स्टेज पे आप इसकी बर्फ़ी जमा के रख सकते हैं एक से दो घंटे के लिए और आपकी बर्फ़ी तैयार हो जाएगी, या फिर आप इससे लड्डू बना सकते हैं। लेकिन मैं आज मोदक बना रही हूँ क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा है तो मोदक गणेश जी को प्रिय है, तो मैंने सोचा मोदक ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा जो मिक्सचर है ठंडा हो गया है, कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है देखिए, और बस अब इसके हम मोदक बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास मोल्ड है तो इसके अंदर बस हम इस मिक्सचर को सेट कर देंगे अच्छे से और प्रेस कर करके इसको मोदक की शेप दे देंगे ताकि अच्छा सा इस पर डिज़ाइन बन जाए। तो बस इसी तरीके से हम इसको प्रेस करके इसके अंदर फिल कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से देखिए इसको प्रेस कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने इसका निकाल दिया है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया और डिलीशियस सा हमारा ये मोदक बनके तैयार हुआ है। अगर ये मिक्सचर आपके हाथों पे चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा घी अपने हाथों पे लगा सकते हैं जिससे आपका मिक्सचर जो है चिपकेगा नहीं, वैसे ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो बस रेडी है हमारे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस से मोदक की रेसिपी। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।